आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया कि जिले का मालिक बन जाता है और एसडीएम सब डिवीजन के मालिक होते हैं। मैं किसी का जेंटलमैन का इंटरव्यू कर रहा था, वो इस बात पे बड़ी उन्होंने गहरी बात कही कि जब आपका आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है तो तभी से आपको महाज्ञानी बन होने की सर्टिफिकेट मिल जाती है और आपको मानने लगते हैं सोसाइटी कि आप मिस्टर नो ऑल हो, आपको सब कुछ आता है। और ये जो जिले के मालिक वाला परसेप्शन है सोसाइटी का या तहसील के मालिक वाला परसेप्शन है, तो ये कितना खराब है एक आईएएस के लिए। नहीं देखिए, ये कुछ लोगों को गलत फहमी होती है कि नो ऑल बन जाते हैं, ये गलत फहमी होती है। कितनी गलत फहमी का आईएएस को हो जाती है, नहीं, काफी लोगों को हो जाती है, ऑलमोस्ट सबको। नो नॉट ऑल, बट नो 50% से भी कम को ही होती, ज्यादा नहीं। आजकल अच्छे लोग भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। और दूसरा क्या है कि मैंने बहुत से ऑफिसर्स देखे हैं जो सिविल सर्विसेज आने के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, तो वो नो ऑल वाले तो कुछ नहीं है। आप जो ये एक तो ये गलत बात है कि नो ऑल सारे लोग नहीं समझते हैं। आईएएस में आना एक अलग बात है। नहीं, ये तो एक इंडिविजुअल आईएएस की बात होगी, सोसाइटी भी फिर उनको मिनिस्टर नो ऑल समझती है। नहीं, उसके लिए तो है, मतलब यूपीएससी इज नॉट इन इंडिया एग्जाम नाउ यू आप फिर वही वाली ना। बात आप देखिए, कर 15-16 लाख बच्चे प्रीलिम्स के लिए आते हैं और लेस देन 1000 चले जाते हैं, तो इट्स नॉट, कुछ तो नहीं, आते हैं। आप वो इंटेलिजेंस के बिहाफ पे थोड़ी ना, वो तो एक स्मार्ट ब्रेन और उस पूरी प्रणाली के हिसाब से स्मार्ट होएगा नहीं, स्मार्ट वो बनेगा ना, नहीं, रादर स्मार्ट देन कि उसको कि ये बहुत इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत इंटेलेक्चुअल है, लेकिन स्मार्ट है, और स्मार्टनेस एजुकेशन से आती है। सुटेबल स्मार्टनेस, फॉर यूपीएससी, दैट मीन्स इट आईएएस। हाँ, मतलब हाँ, सिविल सर्विसेज डोंट से इवन आईएएस, इट्स नाउ इट इज बेल 78 तक आईएएस था, अब ये इंडियन सिविल सर्विसेज है। एंड उसमें अगर कोई आता है तो उसको, क्योंकि उसको नहीं आता, वो पढ़ लिख के आता है और एक ऐसा एग्जाम करके आता है जैसा शायद दुनिया में ऐसा कोई और एग्जाम नहीं है, वो टफ एग्जाम है। इट्स नॉट इजी टू नो। हम उन बच्चों को ये क्यों कहें कि यार आपको कुछ नहीं आता, अब उनको आता है इसलिए यूपीएससी माने। यूपीएससी तक पहुंचना ही एक इंटेलिजेंस की निशानी है, और ये कहना कि इंटेलेक्चुअल, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, यूपीएससी में इंटेलिजेंट होना, सुपर इंटेलिजेंट होना, उसके साथ साथ आप मेहनत कितनी करते हो ना। एक ऑर्डिनरी पर्सन अगर ज्यादा मेहनत करता है, एक सही फोकस्ड मेहनत करता है, वो यूपीएससी में आ सकता है।